हेलो गाइस, माय यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं आप सब के लिए शॉर्ट सा वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपका बुरा चाहने वाले जो भी हैं उनका हाल क्या है इस वक्त, उनका हाल क्या है जो आपका बुरा चाहते हैं और साजिश रचते हैं। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी एनर्जी है। चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, इंटरस्पेस गाइड करें। देखिए डियर, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका जिन्होंने दिल दुखाया है उनका हाल है। सर में आप देख रहे हो इनके हेडक पे क्या कुछ हो रहा है। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत सारा स्ट्रेस, क्योंकि आप किसी का बुरा चाह रहे हो, भला नहीं चाह रहे हो, तो आपके अंदर भी तो वही एनर्जी आएगी। तो इसलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करो, किसी के खिलाफ साजिश मत रचो, पॉलिटिक्स मत करो। तो जो आपका बुरा चाह रहा है, जो आपका भला नहीं चाह रहा, उनके दिमाग में बहुत सारे सवालों जवाबों का घेरा बंधा हुआ है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसा आपको फील होता है कि ये जो भी है पर्सन जो आपसे बात करता हो या ना करता हो, प्यार करता हो या ना करता हो, मेल हो फीमेल हो, बट आपका बुरा चाहता है। तो देखिए उनका हाल क्या है, बेहाल है, माइंड बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, और कुछ ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ जो कुछ हुआ, इन्होंने अगर जो कुछ भी आपके साथ किया है, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ उन्होंने किया, अब इनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। मतलब कि किसी चीज में ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इनके दिमाग में खिचड़ी बन रही है और ये बहुत ज्यादा स्टक वाली एनर्जी में है, डिस्टर्ब वाली एनर्जी में है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि जिसने आपका दिल दुखाया, जो आपका बुरा चाह रहे हैं, उनका हाल देखिए कि इस वक्त क्या है। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, आप इनको फॉरगिव करें, इनको माफ करें, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहते हैं कि जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो उनकी कर्मा है। बट आपको खुश नहीं रहना है कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको उनको माफ करना है, ताकि आपके एंसेस्टर यूनिवर्स अर्थ मदर और इष्ट देवी देवता आप पर प्रसन्न हो कि जो तेरे साथ कुछ भी कर रहा है या कर रही है, कम से कम तू तो बहुत ही अच्छा है। ये आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप उन पर ना हंसे, आप स्ट्रेस ना लें, उनके लिए बदले की भावना मन में ना रखें, उनकी सजा उनको मिल रही है। जो कोई भी है डियर, जो कोई भी है जिसने आपका दिल दुखाया, उनकी हालत देखो क्या कुछ हो रहा है, बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आप अपने आप को बैलेंस में रखिए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, आप अच्छी सोलो, पॉजिटिव सोलो, तो आप हमेशा अच्छा ही सोचना। इनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये इनके कर्मा है, क्योंकि इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, तो अब इनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तो आप बिल्कुल अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी कद्र करें, ठीक है, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जो कुछ भी कोई करता है उसको इसी दुनिया में, इसी 3D दुनिया में उनको अपने कर्मों की सजा मिलती ही मिलती है। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद को परेशान नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। डियर गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।